अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। व्यूअर्स, आज मेरी भतीजी का हकीका है और हकीका यानी पार्टी है। सब ख़ानदान में वाले सब जो हैं रिश्तेदार, पुप्पो, खाला, सब चचा, मामू, सब लोग आए। उन्होंने शिरकत की हकीके पे। महरमा जो है, हमने इसका नाम रखा है, मेरी अम्मी ने रखा है यानी उसकी दादी ने। बहुत प्यारा नाम है माशाल्लाह से। और ये देखिए मेरे अबू बैठे हैं और बस हम वेट कर रहे हैं मेहमानों का। सब जगह वगैरह सेट की हुई थी और बस अब तैयारी कर रहे थे। तो मैं भाभी के कमरे में जा रही हूँ, छोटी भाभी के रूम में। उनका नाम महरू है, महरू भाभी के रूम में जा रही हूँ। अब मैं आपको इनका रूम दिखाती हूँ। आपका मुंह ये देखिए, ये सेटिंग की हुई थी माशाल्लाह से, खुली सेटिंग हो गई थी। सब मेहमान जो हैं एडजस्ट हो गए थे। सब पहले जेंट्स को खाना खिलाया, फिर लेडीज़ को। अब्दुल हादी, हाँ तो कर दो। मामू के साथ ने? ऊपर कहाँ जा रहे हो? ये देखेंगे, बड़ी भाभी जो है वो बैठी है, बेबी की मामा। और फिलहाल इनका रूम तो ऊपर है, तो बस सिजेरियन हुआ था तो इसलिए इनको नीचे सेटिंग अभी कर दी है। अभी नीचे रह रही हैं, जब थोड़ा सा बेबी ठीक हो जाएगा, खुद ठीक हो जाएंगी, जो अपने रूम में शिफ्ट हो जाएंगी। अभी कुछ दिन यहीं पे रहेंगी। सीढ़ियाँ उतरने की ज़रा मुश्किल होती है चढ़ने की। और अम्मी जो हैं वो अपनी पोती को लेके सोई हुई हैं। दादी पोती जो हैं वो सोई हुई थी, रेस्ट कर रही थी। और ये मेरी भांजी है, मेरी बहन की बेटी, ज़रीश फातिमा इसका नाम है। ये भी सो रही थी झूले में। तो माशाल्लाह से छोटे छोटे बेबी बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत। अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे, आमीन। और ये मेरी अम्मी सोई हुई हैं अपनी पोती को लेके, और भाभी तैयार हो रही थी। अम्मी की तरह तबीयत सही नहीं थी। दुआ करें मेरी अम्मी की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। बस नज़ला ज़ुकाम और गला ख़राब था और कुछ नहीं। आज क्या है? आज मेहरबान का हकीका है। मेहरबान का हकीका है। तो मैंने सोचा आज मैं आपको दिखा दूं क्योंकि काफ़ी दफ़ा जो है मैं वीडियो बनाती हूँ अम्मी के घर, तो इनका रूम नहीं दिखा सकती। तो आज आप देख लें, ये भाभी जो है तैयार हो रही थी। ये देखें, इनका मेकअप ऐसे बिखरा पड़ा है। जाहिर है खुशी है, तो हम तैयार श्यार होंगे, अच्छे बनेंगे तो फिर सेलिब्रेट करेंगे फंक्शन को। पड़े हुए हैं डेकोरेट किया हुआ है भाभी ने रूम। बस ये लगी रहती हैं अपने रूम को सेट करने में भी प्यारा लगे रूम जो है ना। ये देखिए, इन्होंने अभी लगाया है ये पर्दे, ऐसे दो दिन हुए हैं अब सेट किया है इन्होंने। ज़्यादा इनकी कबर्ड पड़ी हुई है, इधर स्टोर नुमा जगह बनी हुई है थोड़ी सी, तो ये
एक्स्ट्रा यहाँ रखा हुआ है इन्होंने। अभी भाभी देर है, मान भी आने वाले हैं। ये मेरी छोटी सिस्टर है, इन्होंने कुछ ऐसा ड्रेस पहना हुआ था, प्यारी लग रही थी। ड्रेस आपको दिखाती हूँ। मदिया, इसका नाम मदिया है और मेरा नाम मारिया। ये भाभी है और ये मेरी भाभी है, मामा बड़ी भाभी, बेबी की मामा, बेबी की मामा। ये भी तैयार हो गई थी अब। इसको मैंने तैयार कराया था, ऐसे बिगाड़ दी शक्ल। हाँ, तो क्या हुआ है? अब दोबारा करो, दोबारा। आज अच्छा अच्छा आज किसका गीक है ये तो बताओ। मैं भी आप कहाँ आए हो हैं? आज क्या होगा देखो। ये अम्मी जो हैं चेन पहना रही हैं अपनी नवासी को, मेरी बहन की बेटी जो हैं, तो उसने भी जेवर शेवर पहने हुए थे, रिंग्स और चेन नहीं थी उसकी, तो अम्मी उसको चेन पहना रही हैं। ये देखें माशाल्लाह, माशाल्लाह पढ़ दें व्यूवर्स। आज मैं आपको बहुत छोटे छोटे बेबीज दिखाऊंगी इस व्लॉग में, और माशाल्लाह पढ़ दीजिएगा आप, माशाल्लाह, क्योंकि किसी के न्यू बॉर्न बेबीज हैं और किसी के थोड़े थोड़े ज़रा बड़े हो गए हैं, तो आज मैं आपको सबको दिखाऊंगी। ये देखिए इसने बैंगल्स भी पहनी हुई हैं। माशाल्लाह सी प्यारी लग रही है। बस अम्मी जो है ना अपनी नवासी और पोती की चीज़ें लेते रहती हैं। ये देखिए ये एक और बेबी, ये मेरी कज़न की बेटी हैं, यानी वो भी मेरी बहन ही हुई, मेरी पुप्पो की बेटी है, उनकी बेटी हैं, यानी मेरे चचा की पोती है, ये उनकी बहू की बेटी है और पुप्पो की भी नवासी। और ये जो हैं बच्चे जो हैं अपना मस्त बैठे हैं मोबाइल में दिखा रहे हैं एक दूसरे को। तो मैंने इनसे पूछा कि आप मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, तो बोलते हैं हाँ जी देखते हैं, शौक से देखते हैं, बहुत अब आपके भी अच्छे होते हैं ब्लॉग्स। चलिए थैंक यू व्यूवर्स, अगर आप मेरे ब्लॉग्स पसंद करते हैं तो शुक्रिया बहुत बहुत आपका। इसी तरह मेरे साथ बनी रहिएगा आप और मेरा साथ दीजिएगा और मेरे ब्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। ये देखें एक और बेबी, माशाल्लाह ये बेटी है, माशाल्लाह ये भी मेरी पुप्पो की नवासी है, कज़न की जो है बेटी है। दिखाओ, अभी यश के दिखाया था, माशाल्लाह। और भी बस मैं बोल रही थी कि आप मेरे ब्लॉग्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और इस तरह मेरे साथ देते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें। ये यशा ने जो है जरीश फातिमा को उठाया हुआ था, इनको बहुत शौक है छोटे बेबी का, बहुत ज़्यादा। और ये जो है ये देखें ये बेबी हमारा न्यू बेबी माशाल्लाह, महरमा गिफ्ट दे रहे हैं सब, रिंग्स पहना रहे हैं, किसी ने गिफ्ट दिए, किसी ने रिंग्स पहनाई, किसी ने ऐसे पैसे दिए। आज तो महरमा जो है खुश हो गई माशाल्लाह से, हाथ जो है इसके बिल्कुल जो है फुल हो गए रिंग्स से, सब ने रिंग्स पहनाई, किसी ने रिंग्स पहनाई और किसी ने पैसे दिए और किसी ने गिफ्ट्स दिए, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पढ़ दें व्यूवर्स आप। बस मैं अभी इसका फेस नहीं आपको क्लियर दिखा सकती, क्योंकि जब 40 दिन की इंशाल्लाह हो जाएगी तो फिर दिखाऊंगी मैं इंशाल्लाह। ये है मेरी पुप्पो, इनकी नवासी हैं, यानी भाभी की मामा। ये खाला है बेबी की, ये भी रिंग्स पहना रहे हैं। ये देखिए ये सब लेडीज़ जो हैं अंदर एडजस्ट हो गई थी, सब रिश्तेदार। हमने ज़्यादा यानी पूरी फैमिली यानी ख़ानदान को तो नहीं बुलाया था, करीबी जो हैं हमारे पुप्पो और चचा खाला
ये सब जो हैं अम्मी की पुप्पो वगैरह सब उनको बुलाया था। माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया था अकीका। और ये मैं हूँ वीवर्स, मैं अपनी भांजी को भतीजी को रिंग्स पहना रही थी, ये देखें। और ये बेबी की चच्ची, इन्होंने भी रिंग पहनाई। ये एक यादगार तोहफा होता है, जब बेबी बड़ा होता है तो उसको याद आता है कि ये मुझे रिंग्स जो हैं, उसकी मम्मा उसको बताती हैं कि ये रिंग तुम्हें इन्होंने पहनाई थी, तो इसलिए। ये खाला बेबी की, नहीं ये है मेरी बहन छोटी बेबी की पुपो, छोटी पुपो, मैं बड़ी पुपो और ये छोटी पुपो, वो भी रिंग पहना रही है। ये देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारी हाथ लग रहे हैं, फुल हो गए रिंग से। ये बेबी सो रहा है, सो रही है बेटी है, क्योंकि छोटे बच्चों को पता नहीं लगता ये बेटा है या बेटी है। ये अम्मी बैठी हुई है, बस अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी लेकिन बेबी हिम्मत करके जो है वो बैठी रह गई, और अल्लाह ताला इनको सेहत दे, जल्दी जल्दी से इनकी सेहत ठीक हो जाए। ये देखिए ये रिंग पहनी हुई है बेबी ने, माशाल्लाह। अम्मी ने जो है ये जो कड़ी इसने पहनी हुई है, इसकी दादी ने पहनाई थी दूसरे हाथ पे, बैंगल यानी बैंगल गोल्ड का वो पहनाया था। ये इसकी खाला है छोटी बेबी की। ये मेरे मामू का बेटा है, ये बॉय लड़का है ये, और ये भी मेरी कज़न की बेटी है माशाल्लाह। और ये देखे ये खड़ी हुई थी जो मैंने वीडियो बना ली, ये भी कज़न्स हैं, सब बहने हैं। क्या नाम है? मेंसा, मेंसा। ये हेल्पर जो अम्मी उन्होंने रखी हुई है, उसने हेल्प करवाई थी माशाल्लाह। ये हेल्पर रखी हुई थी अम्मी उन्होंने, तो उसने बहुत हेल्प कराई, बहुत माशाल्लाह। उसने जो है वो उसने अब ये सालन डाल रही थी मेहमानों के लिए, देख बनाई थी बकरे के सालन की, और फिर ये जो है सालन डाल रही थी। और इसने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम किया, ऐसे बर्तन भी धोए, सब कुछ करती रह गई भाभी के साथ मिलके। बस हमसे भी जो हो सका हमने हेल्प करवाई, और ज़्यादा तो ये होता है जो ज़िम्मेदारी जो भी घर में जो ठहरा होता है उसकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है। मैं उसी दिन आई थी सुबह सुबह जिस दिन अकीका था, और अब मैं एक दिन बाद इसको अपलोड कर रही हूँ। असल में बहुत थकी हुई थी, ये जेंट्स ने खाना दिया था, तो ये जेंट्स लोग जो हैं वो खाना खा रहे हैं। पहले जेंट्स ने खा लिया था, फिर लेडीज़ ने खाया था, ये सब रिश्तेदार हैं। और मैं बिज़ी थी तो मैंने अब्दुल्लाह से बोला जाओ बेटा वीडियो बना के लाओ, व्लॉग ये भी शेयर करें। मीठे में हम लोगों ने खीरनी बनाई थी, और अम्मी लोगों ने खीरनी बनाई थी मीठे में, और सालन और नान बनाया था, बहुत अच्छा खाना था माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया खाने में। ये बच्चे जो हैं ये देखें ये मस्ती कर रहे हैं अपनी, देखें माशाल्लाह।
ओके व्यूअर्स, मेरा ब्लॉग जो है काफ़ी लंबा हो गया है, तो आप देखें और इन्जॉय करें और मुझे बताएं कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। ओके व्यूअर्स, अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।